देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर बहराइच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दबंग कोटेदार से परेशान होकर ग्रामीणों ने लगाई डीएम से गुहार। प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोटेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव के दबंग कोटेदार से परेशान होकर ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से गुहार लगाई और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा उन्हें अधिक पैसा लेकर कम खाद्यान्न दिया जा रहा है और इसकी शिकायत ब्लॉक स्तर पर करने की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि दबंग कोटेदार द्वारा जान माल की धमकी दी जा रही है। मामला ग्राम पंचायत अमन कोलवा ब्लॉक किशेश्वरगंज का है, जहां के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहां के रहने वाले? हम कोलवा विशेषगंज ब्लॉक थाना विशेषगंज। आज आप लोग बड़ी संख्या में डीएम साहब से मिलने आए हैं, क्या वजह है? गल्ला कम मिलते हैं लेकिन पैसा ज्यादा लेते हैं, 3 रुपए किलो लेते हैं गेहूँ और चावल 4 रुपए किलो। और कोटा दो जन के नाम इस्लाम ननके हैदराबाद रहे, एक के जने बांटर इस्लाम उनके भाई। अब वहाँ गाली गलौज करते हैं, पहले अंगूठा ला गया थे फिर उसके बाद गल्ला 8 दिन के बाद। तो आप लोग ने शिकायत की इससे पहले भी? हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर को लिखित बयान और मौखिक बयान दोनों दिया है, वो कार्रवाई ना की। कहाँ रहने वाले? हम कोलवा। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, क्या वजह है? गल्ला कम देते हैं साहब, रुपया ज़्यादा लेते हैं, चना डब्बा से नाप कर देते। कितना देते चना? चना 600 ग्राम रहा, 500 से 600 ग्राम। बहुत धमकी देते, गोली मार देते, बताए नहीं कि गांव रहा चाहते कि वहाँ दे दे। शिकायत किया किसी से? शिकायत इंस्पेक्टर साहब आया रहे, लिख लेंगे गल्ला दवा दें सब चलेगी। मतलब कार्रवाई कोई नहीं की? कार्रवाई कुछ नहीं था, बयान अभी हमसे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।